अभी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां एक सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, एक जीप, एक सेंट्रो और एक एक्सयूवी वाहन में जोरदार टक्कर हुई। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है। सभी घायलों को अस्पताल एडमिट किया गया और तस्वीरें देखकर लगता है देर रात की ये तस्वीरें हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। दरअसल ओवरटेक करने के चलते ये हादसा हुआ। ज्यादा जानकारी लेंगे हम, हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, ये तो काफी भयावह सड़क हादसा हुआ है, प्रतीत हो रहा है रात के वक्त हुआ है, तस्वीरों में इतना तो समझ आ रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। समझा जा सकता है कि कितना भयानक था ये हादसा। वहीं करीबन 5 लोग अभी भी बेहद गंभीर हैं। इस पूरे हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 3 गाड़ियां थी। राजा भोज एयरपोर्ट के पास देर रात ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एसयूवी, जीप और एक सेंट्रो कार तीनों गुजर रही थी। इसी दौरान जीप और सेंट्रो कार चालक एक दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी पर से नियंत्रण दोनों ही चालक खो बैठे और गाड़ियां दोनों आपस में टकराई और उसके बाद पास से गुजर रही एसयूवी से जाके ये दोनों गाड़ियां टकरा गई। 3 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। जैसा कि हमने बताया 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पूरे हादसे में 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की यहाँ पर खबर है। फिलहाल इन सभी का इलाज हमीदिया हॉस्पिटल में चल रहा है। समझा जा सकता है कि तेज रफ्तार ने किस कदर कहर ढाया है और ड्राइवर की गलती, ओवरटेक रेसिंग की गलती ने 3 लोगों की जान ले ली। बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत, जानकारी पहुंचाने के लिए इस खबर पर। भयावह हादसा हुआ देर रात, जहां 3 गाड़ियां आपस में टकराई, इसमें दर्दनाक 3 लोगों की मौत भी हो गई। आपको राजधानी भोपाल से एक भीषण सड़क हादसे की खबर दिखाते हैं। यहाँ पर 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जीप सेंट्रो एक्सयूवी वाहन में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवरटेक के चलते ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ है। तो IBC24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 12 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। तो एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। फिलहाल बताया जा रहा है कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराश्वर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, इस बार विस्तार समझाइए। साथ ही बताइए, क्या किसी की लापरवाही इसमें सामने आई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है लगातार CCTV जो सड़कों पर पुलिस विभाग ने लगाए हैं, उन CCTV की जांच है वो लगातार कर रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इसमें ओवरटेक करने को लेकर गलती किसकी थी। 2 वाहनों में लगातार ओवरटेक को लेकर रेस जो है वो चल रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। 3 गाड़ी आपस में टकराई, 3 लोगों की मौत हो गई, दर्जन भर से ज़्यादा लोग जो है वो घायल है। ऐसे में सभी घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गंभीरता पुलिस दिखा रही है जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर CCTV तमाम सारी जगहों को खंगाले जा रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जाँच कर रही है और इसमें इस पूरे मामले को लेकर ये समझा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आखिर गलती किसकी है, ओवरटेक कौन कर रहा था, गाड़ियां कौन चला रहा था। इन तमाम सारी बातों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनको उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी उनके स्वास्थ्य को लेकर उनको हानि ना हो। हालाँकि जब इलाज पूरा हो जाएगा और मामले की जाँच पूरी होगी तो ये भी सामने आएगा कि आखिर ओवरटेक क्यों किया जा रहा था, कौन कर रहा था और जिस तरीके से वाहन चालक को। चलिए दुष्यंत, लापरवाही किसके, फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।